नमस्कार सभी साथियों को, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग साथियों। ये जो आप औषधीय पौधा देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है इंसुलिन। ये पौधे में आप देख रहे हैं, ये घुमावदार पत्ते हैं, इधर से ऐसे ऐसे घूम करके पत्ते आ रहे हैं, ये इसकी पहचान है। ये इंसुलिन प्लांट है। इंसुलिन प्लांट जो है बहुत लाभदायक है। ये शुगर के पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसका एक पत्ता तोड़ करके इसे चाहे तो पीसकर आप दूध में खा सकते हैं खाली पेट, और चाहे तो ऐसे ही एक पत्ता तोड़ के इसे खा सकते हैं। ये खाने में बड़ा टेस्टी है, तो किसी प्रकार का इसमें कोई अलग से टेस्ट नहीं है कि आपको खाने में प्रॉब्लम आए, जिसे आसानी से आप खा सकते हैं। इसको खाने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, और जिसका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके शुगर लेवल को कम कर देता है। इसको एक महीने तक लगातार सेवन करने से आपको शुगर लेवल कम हो जाएगा, और आप फिर से मीठा खाना चालू कर देंगे। यदि आप इसको कंटिन्यू खाते रहते हैं तो आपको फिर से शुगर की समस्या नहीं आएगी। और जो भी भाई चाहते हो कि इस पौधे को मंगाएं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, हम उनको ये पौधा प्रोवाइड करा देंगे। साथियों, ये पौधा बहुत ही अच्छा है। मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इससे आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है, और इसके बहुत सारे जो लाभ हैं उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी नए लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और जो लोग पुराने लोग हैं, उनसे आशा करता हूं कि उनको हमारी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं उन सबको देखें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं कि आपको किस तरह के वीडियो पसंद हैं, ताकि मैं उस तरह के वीडियो आप तक पहुंचाऊं, आपके लिए बनाऊं। क्योंकि मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो आपका कमेंट का हमें इंतज़ार है। आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन एक बार पुनः कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, अपने परिवार को खुश रखें। जय श्री राम। ईश्वर की कृपा हमेशा आप तक बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।